हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पर। आज हम आपके लिए अपने चैप्टर वर्णमाला की थर्ड सीरीज लाए हैं, जिसमें हम आपके लिए आज फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाएं यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल SC, लेखपाल, SI और जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, व्यंजनों के कितने भेद हैं, उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 5। तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 5 ये सही है। दूसरा, चा व्यंजन का उच्चारण कैसा है? तो चा व्यंजन का उच्चारण अघोष है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने सघोष और अघोष देखे थे, तो उसमें जो पहला वर्ड होता है वो हमारा अघोष होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी में कुल कितने व्यंजन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 33। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। इसमें जो व्यंजन होते हैं हमारे वो 5 प्रकार के होते हैं और जो स्वर होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ध व्यंजन का उच्चारण कैसा होता है? ध व्यंजन का उच्चारण हमारा सघोष होता है, सघोष। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हम सबको पता है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं जो कि हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वैसे हिंदी वर्णमाला में हम लोग जब बात करते हैं तो वो 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव को, आरोह अवरोह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसे बोलते हैं अनुतान। इसका मतलब होता है बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाला उतार चढ़ाव। आगे बढ़ते हैं। जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें हस्र स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो हस्र स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है। हर स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में उससे ज़्यादा और प्लुत में सबसे ज़्यादा समय लगता है। आगे बढ़ते हैं। ओ कैसा स्वर है? तो ओ हमारा जो है वो है दीर्घ स्वर। अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था कि हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे स्वर होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है हस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं। घा व्यंजन का उच्चारण कौन सा है? तो घा व्यंजन जो उच्चारण है वो महाप्राण होता है। हम लोगों ने देखा था कि जो जो घा व्यंजन का उच्चारण है वो महाप्राण होता है। या कैसा व्यंजन है? तो या हमारा अंतस्थ व्यंजन है। आपको पता है जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श स्वर कितने होते हैं? तो स्पर्श वर्ण हमारे 25 होते हैं। वो का से लेकर पा वर्ग तक होते हैं। का में आता है का खा गा घा चा चा पा फा पा वा चा 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 जा और टावर तावर। ये सारे जो होते हैं ये सब हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। छा का था और फा ये कैसी ध्वनियाँ हैं? तो हमारी छा का था और फा ये हमारे अघोष वर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसमें हमारे का, छ और त्र आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम लोग स्वर बोलते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर वर्णों की सहायता से करते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें हम लोग
व्यंजन बोलते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिन वर्णों को उच्चारण हम स्वर वर्णों की सहायता से करते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। छ हमारा कैसा व्यंजन है, बोल रहा है कि जो छ है वो हमारा कैसा व्यंजन है। तो आपको पता है अभी हम लोगों ने बताया का, छ और त्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो छ जो है हमारा वो संयुक्त व्यंजन है जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना ही बोले जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो किस बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना ही बोले जा सकते हैं उन्हें हम लोग अयोगवाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उस वर्ण कितने होते हैं, तो उस वर्ण हमारे चार होते हैं, इसमें श, श, स और ह आते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर वैसे तो इसमें दो प्रकार के दिए गए हैं लेकिन स्वर तीन प्रकार के होते हैं, जो अभी हमने बताया ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेकर आए थे। आप अगर इन प्रश्नों में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज दें, हम आप उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग ऐसे ही चैप्टर वाइज आपके लिए डेली डेली क्वेश्चंस तथा प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।